ये फ्रेम तैयार हो रहा है और उसके साथ साथ मैंने बच्चों के कुछ ऐसे टॉयज भी यूज़ किए हैं जो वो नहीं इस्तेमाल करते, राइट, टू जस्ट टू डेकोरेट द फ्रेम, यू नो, लेगो पीसेस, कुछ छोटी सी गाड़ियाँ, डिंकीज और इनकी बोटाई और कुछ और डिंकीज, कुछ शार्पनर्स विद लाइक नीमो ऑन इट, सम डायनासोर्स और इस तरह की चीज़ें जो बच्चों से रिलेटेड हों, ठीक है ना। तो वो हम पूरे इस चारों तरफ सिवाय अप हियर हम इसको लगा देंगे। और ये देखें जिस तरह आप देख सकते हैं कि इनके बहुत मज़े के ये ऐनकें लग सकती हैं इसके साथ। सो आई एम जस्ट गोना प्लेस दिस हियर एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गेटिंग डन विद आवर डेकोरेशन। एंड हम इसको नीटली एक्चुअली लगाएंगे तो इसकी बात और अच्छी लगेगी। सो जस्ट अ लाइन हियर एंड प्लेस द, सो हाउ एवर यू वॉन्ट इट, आपको टेढ़ा मेढ़ा चाहिए आप टेढ़ा मेढ़ा करें, आपको नीट लुक चाहिए आप नीट लुक भी कर सकती हैं। बट द होल आइडिया इज के बच्चों की यू नो ये ऐनक और इस तरह की अगर गर्ल्स की आपके पास नेकलेसेस और ये सब होते हैं तो हमेशा ऊपर नीचे हो जाते हैं बिकॉज वो एक जगह नहीं होते। सो दिस इज द बेस्ट वे टू कीप एवरीथिंग इन वन प्लेस। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि जैसे हम हमेशा पहले बीच वाला हिस्सा डेकोरेट करते थे, अब हम इस एक्टिविटी के लिए ऊपर वाला हिस्सा डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप जिस तरह की भी चीज़ें लटकाना चाहें आप लटका सकते हैं। ये मैं आपको एंड रिजल्ट पे इस पर और सारी चीज़ें चिपका के और लटका के दिखाती हूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ आवर फ्रेम, इसमें आप अपनी भी एंड के ऐसे लगा सकते हैं, अपने शेड्स लगा सकते हैं, बच्चों के लगा सकते हैं, यू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो दिस इज़ अ रियली नाइस वे टू ऑर्गेनाइज योर और योर किड्स एक्सेसरीज, ठीक है ना। इसके लिए बहुत बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आई एम श्योर आपको आपके घर में ये जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ उनके खिलौने भी होते हैं और वहाँ थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी होती है। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ पुट योर माइंड टू इट एंड आप कुछ भी बना सकते हैं और आप किसी चीज़ को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास और इनका आर्ट मटीरियल पुराना कोई है जो हमने बनाया है, आप वो भी कॉर्नर्स पे डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस वॉज आवर फ्रेम टूडे फॉर सन ग्लासेस एंड ज्वेलरी हैंगिंग होल्डर है ये, और दिस इज़ द ईजिएस्ट वे जो आप अपने घर पे पुराने पड़े हुए फ्रेम्स को यूटिलाइज करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको आज की ये मज़ेदार और वेरी क्विक क्रिएटिव क्लास पसंद आई हो। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ इसमें, वो है कि मेरे पास याद है हमने टिश्यू रोल्स कई बार हमने टिश्यू रोल्स की इनसाइड को काट के इसके ऊपर कवर करके मैंने इसको नीचे से थोड़ा सा इसको चिपका दिया है एक पेपर को। सो आई एम जस्ट गोना कट आउट द एक्स्ट्रा बिट एंड दिस हैज़ बिकम लाइक अ होल्डर फॉर मी। So I can basically put a lot of, you know, put this here and put my pencils in this. So अगर आपके पास कुछ ज्वेलरी की जैसे ट्वीज़र होती हैं, ये मैं बड़े लोगों के लिए कह रही हूँ, इस तरह की कोई नेल की कुछ चीज़ें होती हैं, नेल फाइल्स होती हैं और वो जगह जगह घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं, सो द बेस्ट वे टू कंटेन इट इज़ टू हैव अ प्लेस वेर यू कैन प्लेस इट लाइक दिस एंड इसको आप लगा सकते हैं इधर, ताकि ये एक जगह आपको मिले जहाँ ये स्टक हो जाए और यहाँ पे हम अपनी पेंसिल्स और इस तरह की एक्सेसरीज रख सकते हैं।
ठीक है ना गाइज, लुक एट दिस, इट लुक्स रियली रियली वेरी क्यूट. सो यू कैन डू अ मेकअप थिंग, यू कैन डू अ स्टेशनरी स्टेशन, यू कैन मेक दिस इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू कैन होल्ड योर पेन्स इन दिस इफ यू हैव पेन्स एंड यू फील कि आपके पास जगह नहीं होती कोई पेन्स रखने के लिए, आप इस तरह करके अपने पेन्स भी लटका सकते हैं. सो इट्स बेसिकली अ शेल्फ और अ होल्डर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन यूटिलाइज. ठीक है ना गाइज, सो आई होप कि आप ये बनाएं और मुझे जल्दी से टैग करें और आपको अच्छा लगे बनाना और आपकी सारी चीजें जो भी बिखरी हुई होती हैं वो अब जगह पे आ जाए. ठीक है, आई विल ask you for a goodbye and I will see you inshallah next class mein, parson hogi, us pe bhi hum bahut interesting si koi cheez banayenge. Theek hai, so enjoy making your stationery holder, your jewelry holder or your sunglasses and accessories holder and mujhe please message kare, tag zarur kariyega. Till then, Allah Hafiz.